आयुका रिसर्च तर्फे पुणे विद्यापीठात देशभरातील वैज्ञानिकांच्या चित्रकलेचे प्रदर्शन उत्स्फूर्तपणे पार पडले। शास्त्रज्ञ म्हटलं की समोर चित्र उभं राहतं ते विचारांच्या गर्दीत स्वतःला खोलवर गाडून घेतलेल्या तर्कवितर्काच्या जगातला एक माणूस, पण नवनवीन शोधांच्या बरोबरच त्यांच्यातही एक कलाकार दडलेला असतो याचा प्रत्यय पुणे विद्यापीठात भरलेल्या चित्रकलेच्या प्रदर्शनाने आला। यात शास्त्रज्ञांनी काढलेली चित्रे, हस्तकला, वॉटर पेंटिंग, विणकाम इत्यादी चित्रकलेचे विविध प्रकार प्रदर्शनात मांडण्यात आले होते। प्रत्येकाच्यात एक सुप्त कला आणि एक सुप्त कलाकार दडलेला असतो, तो बाहेर यायला हवा आणि एक नव्यानं नवी ओळख व्हायला हवी असं मत प्रदर्शन आयोजक श्री होले यांनी मांडलं। मैं शिवाशीष आयुका का रिसर्च स्कॉलर। ये जो आर्ट एग्जीबिशन आप देख रहे हैं, ये आर्ट एग्जीबिशन आयुका का इन हाउस टैलेंट का एक एग्जीबिशन है। आयुका का जो आर्टिस्ट लोग हैं, स्टूडेंट्स, पोस्ट डॉक्स और आयुका का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, इनमें से जो जो विभिन्न उम्र का लोग है, इनका जो आर्टिस्टिक टैलेंट्स है इसको सामने लाने के लिए आर्ट एग्जीबिशन किया हुआ है। ये पहली बार ऐसे हो रहा है और हमारा उम्मीद थी कि पार्टिसिपेशन बहुत जोरदार रहेगा और वो जोरदार रहे, और सिर्फ आयुका का ही लोग नहीं, आयुका के जुड़े हुए लोग, एसोसिएट्स जो बाहर का है, सारे देश से यहाँ पे पार्टिसिपेट कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो हमारा एक बड़ा कम्युनिटी है, उसमें जो आर्टिस्ट लोग हैं, हम लोग ने आर्टिस्ट का जो टैलेंट्स है इसको सामने लाने के लिए एग्जीबिशन किया हुआ था। इस एग्जीबिशन के द्वारा हम लोगों का एक बड़ा संदेश है कि साइंटिस्ट्स आर ऑल्सो आर्टिस्ट्स। और एक बात यह है कि साइंटिस्ट आर्टिस्ट पर ऑल्सो म्यूजिशियंस, और हम लोगों का जो मल्टी टैलेंट, जो एक लोग एक काम करते हैं दूसरे काम में वो इतना ज्यादा माहिर नहीं है, ऐसे लोग जो लोग एक काम करते हैं, मतलब हम लोग साइंटिस्ट हैं यहाँ पे, हम लोग आर्टिस्ट भी हैं, तो हम लोगों का इमेजिनेशन जो है वो आपके सामने आर्ट एग्जीबिशन के माध्यम से हम लोग यहाँ पे लाया। या प्रदर्शनाला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद तर मिळालाच, पण सृजनकाराचं एक नवं रूप बघून बरेच जण अवाक झाल्याचंही निदर्शनास आलं। प्रदर्शनाला विद्यापीठातील मान्यवरांसोबतच विद्यार्थ्यांचाही चांगलाच प्रतिसाद मिळाला।